is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about some amazing skincare and makeup recommendation for dry skin type girls. मैंने recently video बनाई थी 7 oily skin essentials के बारे में and I know मेरी बहुत सारी audience है जिनकी dry combination या acne prone skin है. Dry acne prone skin एक ऐसी category है जो काफी कम लोग बात करते हैं because लोगों को लगता है dry skin है तो acne होंगे नहीं, but ऐसा नहीं होता. ड्राई स्किन वालों को भी एक्ने कंडीशन होती है. तो आज मैं जो भी प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ वो उस स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट है. ऑल्सो बिफोर यू कम एट मी एंड से कि आपकी तो ऑयली स्किन, आप ड्राई स्किन की रिकमेंडेशन कैसे दे सकते हो, देखो मेरी जो स्किन टाइप है ना वो मेरी सनसाइन की तरह है, विच इज जेमिनाई, जो चेंज होती रहती है. विंटर्स में मेरी स्किन भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जो पीक विंटर वाला टाइम होता है, और उस टाइम पर ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद पर्सनली यूज़ करे हैं, ट्राई करे हैं. सो आई नो ये ड्राई स्किन पर ब्यूटिफुली वर्क करेंगे. ऑल्सो नॉट जस्ट रिकमेंडेशन, मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके लुक क्रिएट करी है. सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ नाइस ऑफिस और वर्क और एनी सॉर्ट ऑफ लाइट मेकअप लुक फॉर ड्राई एक्ने प्रोन स्किन, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है. सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल. एंड नाउ लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट जो चाहे सर्दी हो गर्मी हो हमको चाहिए ही चाहिए. कंसिडरिंग द फैक्ट आप सबके ऑफिस स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं तो हमें एक अच्छी हाई SPF लगा के निकलना चाहिए बिकॉज सन इस टाइम पीक पर है. सो इफ आई टॉक अबाउट ड्राई सेंसिटिव एक्ने प्रोन सॉर्ट ऑफ स्किन, वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन बाय बायोडर्मा हैज टू बी दिस वन. बाय द वे ये री लॉन्च हो चुकी है, इनकी पुराने वाली भी मेरे पास है. ये बायोडर्मा की फोटोडर्म मैक्स SPF 50 है. मैंने विंटर्स में काफ़ी यूज़ करी थी बिकॉज ये बहुत अच्छी डूइनेस देती है स्किन के ऊपर. अब इन्होंने रीलॉन्च कर दिया, अपना फॉर्मुलेशन थोड़ा सा और बेटर कर दिया है. नाउ दिस वन इज बायोडर्मा फोटोडर्म क्रीम सन एक्टिव डिफेंस विद SPF 50+ UVA UVB प्रोटेक्शन है और इसमें PA 4 टाइम्स+ की आपको प्रोटेक्शन मिल रही है. दिस वन इज फॉर सेंसिटिव ड्राई स्किन, इसके फ्रंट में भी लिखा हुआ है. बट टॉक अबाउट मेन इंग्रीडियंट्स इन दिस वन, इसके अंदर है एक्टॉइन विच प्रिवेंट्स UVA इंड्यूस प्रीमेच्योर एजिंग. देन इसके अंदर मैनिटॉल है जो इंप्रूव करता है स्किन के टेक्सचर को, हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को. सन एक्टिव डिफेंस है जो काफी हाई टेक्नोलॉजी सन प्रोटेक्शन इन्फोर्स किया हुआ है इन्होंने अगेंस्ट UVA रेज. तो ऐसी सनस्क्रीन आपको प्री मेच्योर एजिंग से भी काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करती है एज वेल एज जो UVB रेज होती है उससे भी बचाती है. बट टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस वन, इसका बहुत अच्छा यहाँ पे एक पॉइंटेड नोजल मिलता है, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो. आई प्रेफर द 2 फिंगर रूल्स, आप दोनों फिंगर्स पे अच्छे से अप्लाई करके स्प्रेड कर सकते हो. और आप जैसे जैसे इसको मसाज करोगे ना इनिशियली आपको फील होगा वाइट कास्ट आने वाली है, बट ऐसा नहीं है, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर. जैसे ही क्लेम करती है इसकी एक्चुअल में इनविजिबल फिनिश है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देती, कोई भी तरह की पील्स या फिर वो पाइलिंग्स नहीं क्रिएट होते जो काफी मैट सनस्क्रीन से हो जाता है. ड्राई स्किन टाइप के ऊपर स्पेशली बहुत अजीब से पील्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो इसमें नहीं होता. यू कैन सी फाइनली ऑन माई स्किन इट इज नॉन स्टिकी नॉन ऑयली. ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ज्यादा ग्रीसी मेरी स्किन फील होगी. स्किन पे बहुत अच्छी डूइनेस और शाइन आती है जो इतना ऑयली आपको फील नहीं कराती. ऑल्सो इट इज मल्टी रेजिस्टेंट, मतलब ये आपको स्वेट हीट एंड ह्यूमिडिटी से बचाती है. सो अगर आप आउटडोर एक्टिविटी के लिए भी कोई सनस्क्रीन देख रहे हो दिस इज ग्रेट. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज ये फ्रेग्रेंस फ्री है, इसके अंदर इन्होंने कोई भी फ्रेग्रेंस ही डाली हुई. तो अगर आपकी सेंसिटिव ड्राई एक्ने प्रोन स्किन है आपको तभी भी सूट कर जाएगा. आप जितना पे कर रहे हो उतना डेफिनेटली आपको वर्थ मिल रहा है इससे, प्लस आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. नाउ आई हैव अ कूपन कोड विद बायोडर्मा, ये एफिलेटेड नहीं है, कूपन कोड इज Kashika 5. आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कोड लगा के ग्रैब कर सकते हो. जितना भी डिस्काउंट इनकी वेबसाइट पे चलता है आपको एडिशनली 5% ऑफ से मिल जाएगा. बाकी सारी डिटेल्स और लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो प्लीज चेक कर लेना. लेट्स स्टार्ट विद मेकअप नाउ. अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर आपको पोर्स के इश्यूज या फिर रफनेस है, ड्राई स्किन की भी एक्ने प्रोन स्किन हो सकती है, थोड़े बहुत बम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर जो एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है जो आपके पोर्स को फिल इन कर देगा, स्किन पे एक स्मूथनेस लेके आएगा, वो है ईबा हलाल का फोटो परफेक्ट HD फेस प्राइमर. यू कैन सी मैंने ऑलमोस्ट ये खत्म कर दिया है. मैं इसको विंटर्स में इतना ज्यादा यूज करती हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छी एक नरिशमेंट देता है आपकी स्किन को. इसके अंदर कुछ आर्गन या इट इज इनरिच्ड विद आर्गन एक्सट्रैक्ट और एक फील होता है लाइक आप सिलिकॉन जैसा एक फील आता है जो स्मूथनिंग होता है, लेकिन ये आपकी स्किन को मैट नहीं बनाता, विच इज गुड. बहुत रेयर प्राइमर है मार्केट में जो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं लेकिन आपकी स्किन को मैट नहीं बनाते. सो ड्राई स्किन वालों के लिए एकदम ये परफेक्ट है, अफोर्डेबल है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से सेल पे आपको ये काफी सस्ते में मिल जाएगा. मेरे जो पोर्स होते हैं उसको फिल इन कर देता है, रफनेस नहीं दिखती मेरी स्किन के ऊपर इतनी. जो मेकअप है वो भी काफी अच्छे स्टे करता है. इसमें कुछ लिखा हुआ है HD मेकअप के लिए 5-way स्मूदन स्किन मैटिफाई स्किन, ये क्लेम को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैटिफाई नहीं करता. ऑब्वियसली आपकी स्किन इतनी ऑयली ग्रीसी नहीं बनाएगा लेकिन एक अच्छी डूइनेस देता है आपकी स्किन को, पोर्स को फिल इन कर देता है, एनहांस करता है रेडियंस को और आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. डेफिनेटली येस, गो फॉर दिस वन. सो ये तो हो गया फर्स्ट रिकमेंडेशन अगर आपकी ड्राई एक्ने प्रोन सॉर्ट ऑफ स्किन है, आपको स्किन को इवन करना है. लेकिन अगर आपकी खाली ड्राई स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है, आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं यूज करना चाहते, यू कैन गो फॉर दीज. ये है K Beauty के कलर करेक्टिंग प्राइमर जो एकदम हाई ऑन हाइड्रेशन है. ये इसका फॉर्मुला बहुत डिफरेंट, आपको मार्केट में ऐसा कोई प्राइमर नहीं मिलेगा जो वाटर बेस्ड सॉर्ट ऑफ एक प्राइमर प्राइमर है और ये अपने आपको कलर करेक्टिंग प्राइमर बोलते हैं। मतलब ये ऐसे अलग अलग कलर्स में आते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, लैवेंडर, येलो, जो भी कलर करेक्टिंग वाले कलर्स होते हैं ना, उसमें ये प्राइमर्स आते हैं जो थोड़ी बहुत आपकी स्किन की कलर करेक्शन करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी इससे आपकी स्किन एकदम कलर करेक्ट हो जाएगी कि ऑरेंज लगा लो डार्क मार्क्स एकदम हाइड हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हल्की फुल्की जो रेडनेस है उसको कम कर देता है। इसका टेक्स्चर मुझे काफ़ी सही लगता है, लाइक दिस इज द रेड वन, यू कैन सी इसका एकदम पानी पानी जैसा टेक्स्चर है जो स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मैं इसको विंटर्स में ना एज अ बेस मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करती थी। जिस दिन मैं वेडिंग या फिर कोई पार्टी मेकअप करती थी, मैं इसको पहले यूज़ कर लेती थी फॉर हाइड्रेशन, नरिशमेंट, और उसके ऊपर मैं कोई सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करती थी अपने पोर्स के लिए। कमिंग टू फाउंडेशन, मैक्सिम फाउंडेशन जो आपको मार्केट में मिलते हैं ना, वो यही क्लेम करते हैं मैट फील, सुपर नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी, और जो बेचारे ड्राई स्किन वाले होते हैं वो ऐसे बैठे रहते हैं यार हमारे लिए भी कोई फाउंडेशन बना दो। सो दो फाउंडेशन जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब भी मुझे ड्राई स्किन टाइप वाला फील होता है, फिर जो मैं विंटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो है ये दो। सबसे पहले है के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग प्राइमर। काफ़ी सारे के ब्यूटी रिकमेंडेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। के ब्यूटी का मेकअप मैंने देखा है ये जो भी बनाते हैं ना, ये सॉर्ट ऑफ ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा बनाते हैं। देयर मेकअप इज नॉट मेंट फॉर वेरी मैट फील। वैसे ये फाउंडेशन है, ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन जो अपने आपको हाइड्रेटिंग बोलता है, ड्राई स्किन टाइप के लिए बोलता है, और नायका जो अवेलेबल है, अमेजिंग वन। इसके शेड्स भी बहुत अच्छे हैं, ये न्यूट्रल, वाई, येलो, देन पी, पिंक अंडरटोन, ऐसे अंडरटोन्स के हिसाब से फाउंडेशन बनाते हैं। ये वाला थोड़ा सा लाइट है मेरे लिए। मैंने इसका एक क्विक रिव्यू किया था अपने इंस्टाग्राम पे, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, उसमें मैंने आपको 4 फाउंडेशन के स्वॉच दिखाए हैं, पूरा ब्लेंड करके दिखाया, तो आप वो देख सकते हो। आई लव दिस वन। अगर आपको डूईनेस चाहिए या फिर आपकी स्किन ड्राई है, आपको भी फाउंडेशन लगाते हो वो क्रैक होता है, डू ट्राई दिस। लेकिन इसकी कवरेज इतनी हाई नहीं है, ये हल्की फुल्की मीडियम सॉर्ट ऑफ कवरेज देता है। सो हाई कवरेज की अगर बात की जाए, अगर आपको शादी में जाना है, फंक्शन पे जाना है, आपकी ड्राई स्किन है, गो फॉर दिस वन। ये मिलानी का कंसील एंड परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन कंसीलर, एंड द शेड बेज 04, मीडियम बेज 04 मेरा शेड है, जो हल्का सा डार्क है। मतलब हल्का सा मैं बोलूँगी, ऑयली स्किन है ना तो ऑक्सीडाइज होकर मेरी स्किन और डार्क लगती है, सो ये हल्का सा डार्क है। और ये जो है के ब्यूटी का 105 वाई लाइट, ये थोड़ा सा लाइट है, तो मैं क्या करती हूँ दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके एक अच्छा कंकॉक्शन जो बनता है वो मेरी स्किन टाइप पे सूट कर जाता है। जब मैं अभी आप स्क्रीन पे देखोगे आपको थोड़ा सा व्हाइट लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप देखोगे अभी ऑक्सीडाइज होकर ये एकदम सेटल हो जाता है। आज मैंने यही अप्लाई किया, यू कैन सी फिनिश काफ़ी अच्छी आई है। मेरे जो मेजर एक्ने मार्क्स थे, जो भी डार्क स्पॉट्स थे, वो दोनों ने मिलकर कंसील कर दिए हैं। सो बोथ ऑफ दीज आर परफेक्ट। अगर आप कुछ एवरीडे लाइट देख रहे हो ड्राई स्किन के लिए, गो फॉर द के ब्यूटी वन, और अगर आप कुछ वेडिंग्स के लिए देख रहे हो, गो फॉर द मिलानी वन। यू विल लव बोथ ऑफ दीज फॉर ड्राई स्किन। कमिंग टू सेटिंग योर फेस, येस, आपकी चाहे ड्राई स्किन हो, आपको फाउंडेशन अपना सेट करना ही चाहिए, अदरवाइज फाउंडेशन बहुत ज़्यादा क्रीज होने लग जाता है। और जब हम फेस सेट करने की बारी आती है ना, मैक्सिमम आपको जितने भी लूज पाउडर मार्केट में मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई मैट कर देते हैं, बट ये जो के ब्यूटी के लूज पाउडर है ना, दे आर अ बून फॉर ड्राई स्किन गर्ल्स। ट्रस्ट मी, इसको एक बार लगाकर देखना, यू विल लव इट। बहुत अच्छे से पोर्स को फिल कर देते हैं, कवरेज भी हल्की फुल्की देते हैं, इतनी हाई कवरेज नहीं है, थोड़ी सी कवरेज देता है, लेकिन ये ड्राई स्किन को ब्यूटिफुली सूट करेगा। जो एक्सेसिव ऑयलीनेस होती है उसको थोड़ा सा मैट बना देता है, लेकिन स्किन को ड्राई नहीं फील कराता। आई हैव 2 ओवर हेयर, मैंने इनका पूरा डेडिकेटेड रिव्यू किया था। मुझे PR आया था 2-3 साल पहले जब ये लॉन्च हुए थे, स्पॉन्सर्ड नहीं था, मुझे PR में आया था, तो मैंने इनका एक पूरी YouTube वीडियो बनाई थी, आप वो जाकर देख सकते हो, मैं नीचे लिंक भी कर दूंगी। आपको उसमें स्वॉचेस भी मिल जाएंगे इनकी पूरी शेड रेंज के। जो दो है, सबसे पहले है ये ट्रांसलूसेंट वाला जो है HD ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द कलर व्हाइट, ये एकदम व्हाइट कलर का है। सो अगर आपको अंडर आइज को हाईलाइट करना है ना, ऐसा व्हाइट पाउडर एकदम परफेक्ट है। मैं इसको उस दिन यूज़ करती हूँ जिस दिन मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती, आई वॉन्ट अ नाइस हाईलाइटिंग इफेक्ट ऑन माई अंडर आइज, ये एकदम परफेक्ट है उसके लिए। सेकंड वन इज दिस इन द शेड ऑलिव, ये एकदम एग्जैक्ट मैच है मेरी स्किन टोन से। मतलब अगर मैं हल्का सा लाइटर फाउंडेशन यूज कर लेती हूँ ना, ये वापस मेरे स्किन टोन पे ले आता है, मेरे पूरे फेस को, बिकॉज ये जो ऑलिव कलर है ये मेरी स्किन टोन पे ब्यूटीफुली सूट करता है। दिस इज ग्रेट टू जस्ट सेट योर होल फेस। आप ब्यूटी ब्लेंडर से पिकअप कर सकते हो, ब्रश से पिकअप कर सकते हो, इसकी पैकेजिंग काफी सही है, यहाँ पे मैश है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉकिंग के लिए भी मिलता है, तो आप इसको ट्रैवलिंग में ले जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसे पाउडर आपका निकलेगा नहीं, बिकॉज ये जो अंदर लॉक वाला सिस्टम है ना वो उसको ऐसे लॉक करके रखता है। लव बोथ ऑफ दीज आर ऑल्सो HD ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो अगर आप फ्लैश फोटोग्राफी के लिए, शादी के मेकअप के लिए कुछ देख रहे हो, यू कैन गो फॉर दीज, यू विल लव इट। कमिंग टू हाइलाइटर एंड ब्लश, इसको भी मैंने एसेंशियल्स में डाला, बिकॉज आजकल अगर थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लो ना और ब्लश ना लगाया हो, चीक्स आपके ग्लो ना कर रहे हो, बड़ा अधूरा लगता है यार, तो एसेंशियल्स में तो ये मेरे होंगे ही होंगे। सबसे पहले है मेरे पास ये अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टेंट इन द शेड चेरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज ये अपनी पैकेजिंग पे नहीं लिखते, बट आई थिंक इसका शेड चेरी है। ये थोड़े से फेयर स्किन टोन वालों के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम हॉट रेड ये कलर है, एंड वन ऑफ द बेस्ट लिप एंड चीक टेंट फॉर ड्राई स्किन गर्ल्स, बिकॉज का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल वो पानी वाला नहीं है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जैसे फेस शॉप का आता है है, बेनिफिट का टेंट आता है, वो बिल्कुल पानी जैसा होता है, वो आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको थोड़ा सा नरिशमेंट चाहिए, डूइनेस चाहिए, गो फॉर दिस वन। इसका लिप ग्लॉस जैसा फॉर्मूला, लाइक आपको हल्का सा एक स्टिकी स्टिकी फॉर्मूला फील होता है, बट ये स्किन पे बहुत अच्छी डूइनेस देता है। इनफैक्ट एवरीडे बेसिस पे तो आप इसी को लगा के जा सकते हो, आपको हाईलाइटर लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो मैंने हल्का सा टच कराया है और स्किन पे कितना ज़्यादा रेड रेड हो जाता है। मैंने इसको फिर बाद में ब्रश से टेम डाउन किया था, मैंने यही वाला लूज पाउडर को दोबारा पिकअप किया था ब्रश पे और फिर इसको टैप करके थोड़ा सा इसको टेम डाउन कर लिया था। ये आपको थोड़ा सा प्राइजी लगेगा, बट जितना आपको चाहिए होता ना, मतलब आपको एक्सेस सारा हटा के खाली एक डॉट टच करानी है और उसको ब्लेंड कर सकते हो। ये ड्राई एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी अच्छा है। अगर आप एवरीडे बेसिस के लिए मेकअप देख रहे हो, आपको फालतू में ब्रशेज नहीं यूज करने, आप इसको हाथ से टच ऐसे करा के ब्लेंड कर सकते हो। आप अननेसेसरी ब्रशेज का जो डस्ट है वो ट्रांसफर नहीं होगा आपके फेस के ऊपर। ट्रैवल कर सकते हो इसके साथ। ये है क्रुएल्टी फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, नो थैलेट्स, लव दिस वन। सो ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। कमिंग टू हाईलाइटर, अब जिसकी ड्राई स्किन होती है ना, ऑलवेज प्रेफर क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स। लाइक ये जो लिप एंड चीक टिंट है, ये थोड़ा सा क्रीमी फील होता है। वैसे ही मेरे पास एक हाईलाइटर रिकमेंडेशन है जो काफ़ी क्रीमी है, परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन। ये है पर्पल का टू मच डुअल हाईलाइटर, ग्लोइंग मच वन इसका नाम है। सो ये डुअल हाईलाइटर है, आपको दो साइड स्टिक मिलती है। एक साइड आपको मिलता है थोड़ा सा ब्रॉन्ज कलर, एकदम गोल्डन गॉडेस वाला। अगर आप डे टाइम के लिए मेकअप कर रहे हो, कोई शादी में आप डे टाइम में जाने वाले हो, ऐसा गोल्डन कलर का हाईलाइटर बहुत अच्छा लगता है, एक ब्रॉन्ज लुक देता है आपकी स्किन के ऊपर। और एक साइड आपको मिलता है एकदम स्ट्रेट अप सिल्वर वाला हाईलाइटर। आप दोनों सॉच देख सकते हो मेरे हैंड्स के ऊपर कैसे लग रहे हैं। मैंने आज ये सिल्वर साइड यूज़ किया। अगेन आप इसको फिंगर से पिकअप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करोगे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। मैं प्रेफर करती हूँ हाथ से ऐसे ऐसे डैप करना, बहुत अच्छी शाइन देता है। इसके पार्टिकल्स बिल्कुल भी वो चंकी नहीं है, ऐसे बड़े बड़े नहीं दिखते। सो अगर आप एवरीडे ऑफिस के लिए भी कुछ देख रहे हो ना, लाइक आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपको लाउड मेकअप नहीं करना, थोड़ा बहुत करना, तो ये हाईलाइटर स्टिक एकदम परफेक्ट है। दो कलर मिलते हैं तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आई लव द फैक्ट ये ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है मेरी चीक्स के ऊपर, मुझे अलग से ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लेना पड़ता। ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। इनफैक्ट ये दोनों ही ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है ना, आप इसको अपने बैग में भी डाल सकते हो। अगर आपको टचअप करना है, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं ऑन द गो मेकअप करना है, बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग। आज मैंने यही लगाया, आप देख सकते हो बिल्कुल भी लाउड नहीं लग रहा, ओवर पावरिंग नहीं लग रहा। अगर आप ऑफिस जाते हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये दोनों प्रोडक्ट्स एकदम परफेक्ट है। ऑल्सो मैंने इसका जो सिल्वर वाली साइड है ना, इसको थोड़ा सा फिंगर से लेके अपनी आईलेट्स पे भी अप्लाई कर लिया। ऐसे क्रीमी हाईलाइटर को अपनी आईलेट्स पे भी लगा सकते हो। अगर आपकी आईलेट्स ड्राई है ना बहुत ज़्यादा, तो ऐसे क्रीमी हाईलाइटर एकदम परफेक्ट है। आपकी आईज के ऊपर स्टे भी करेंगे, उसको ज़्यादा ड्राई फील नहीं कराएंगे। सो डेफिनेटली आप मल्टीपर्पज प्रोडक्ट। और ये लिप टेंट भी है, मैं इसको एज ए लिप टेंट इतना यूज़ नहीं करती, आज मैंने कुछ और लगाया है, बट आप इसको अपने लिप्स पर भी लगा सकते हो। सो बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग फॉर ड्राई स्किन। कमिंग टू अनदर एसेंशियल फॉर ड्राई स्किन टाइप, विच इज अ मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। येस, ड्राई स्किन वालों को भी अपना मेकअप पूरा लॉक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी ड्राई स्किन है, हम मेकअप फिक्सर लगा के क्या करेंगे, हमें पसीने नहीं आते, फिर भी देखो आपका जो मेकअप है वो थोड़ा सा केकी हो जाता है। तो एक अच्छा मेकअप मिस्ट आप ले लोगे ना तो बेटर रहेगा। सो आई हैव टू रिकमेंडेशन ओवर हेयर। एक पुराना मेरा फेवरेट है जो पूरा खत्म हो चुका है, और एक है सुपर रिसेंट लॉन्च। सबसे पहले है ये निक्स का डुई फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसके दो फिनिश आते हैं, एक आता है मैट और ये है डुई। अगर आपकी ऑयली स्किन आप मैट ले सकते हो, लेकिन डुई वाला मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं शादी पार्टीज में ना यही लगाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ये मेरी स्किन को एकदम मैट नहीं बनाता, बहुत अच्छी एक शाइन रहती है, डूइनेस रहती है फेस के ऊपर। सो दिस इज ग्रेट। एंड अगर आप थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी में देख रहे हो, ये जस्ट अभी मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ है, एक या दो दिन पहले ये अभी लॉन्च ही हुआ है। इनफैक्ट ये मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर डूई फिनिश है, इस पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है डूई फिनिश, लॉन्ग लास्टिंग एंड बज प्रूफ। ये मैंने उस दिन भी ट्राई किया था जिस दिन ये आया था, और आज भी मैंने यही स्प्रे किया है। और आप देख सकते हो मुझे अभी शूट करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है, बिल्कुल भी कोई स्वेटिंग फील नहीं हो रही। सो आई थिंक अगर आपकी ऑयली स्किन भी है ना, तभी भी आप इसको ले सकते हो। स्किन पे एक डूइनेस रहती है, शाइन रहती है, एट द सेम टाइम स्किन आपकी ग्रीसी फील नहीं होती। लव द स्प्रे, बहुत फाइन इसका स्प्रे निकल के आता है। थोड़ी सी इसमें फ्रेग्रेंस है विच इज़ वेरी वेरी माइल्ड, तो काम इतना चल जाता है, मुझे अनॉइंग नहीं लगी। बट डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से दिस इज अमेजिंग। सो वेन एवर यू आर सर्चिंग फॉर अ नाइस मेकअप सेटिंग स्प्रे, ऑलवेज रीड द वर्ड डूई इफ यू हैव ड्राई स्किन टाइप। हमने पूरे फेस की मेकअप की बात कर ली, लेकिन हमने लिप्स की बात नहीं करी। अब देखो, लिपस्टिक आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, इन्वेस्ट इन दिस वन। ये क्योर्स का लिप ऑयल रोल ऑन, वन ऑफ द बेस्ट लिप ऑयल्स और लिप प्रोडक्ट जो ड्राई लिप्स के लिए एकदम परफेक्ट है। सो आज मैंने लिपस्टिक लगाई है ब्लू हेवन की महोगनी मोमेंट्स, मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड। आप देख सकते हो मेरी स्किन लिप्स के ऊपर अच्छी लग रही है, मैट एक फील देती है, लेकिन जिनके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है, जिनको अनकंफर्टेबल फील होता है, वॉट यू कैन डू इज ये क्योर्स का लिप ऑयल लेके उसी के ऊपर कोट कर सकते हैं। अब मुझे शूट करते करते 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, सो मैंने 2 घंटे पहले लिप ऑयल लगाया था। अब आप देख सकते हो एकदम मेरी जो लिप्स है मैट है, बिल्कुल भी शाइनी है, ग्लॉसी नहीं है। सो ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आपके लिप्स को नरिशमेंट बहुत अच्छी देता है, आपके लिप्स क्रैक नहीं होते। दोबारा आप इसको टचअप कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोना डू अगेन। आई लव द फैक्ट कि मेरे लिप्स को कहीं ना कहीं ग्लॉसी बना देता है, जो आजकल फैशन है, ग्लॉसी लिप्स का काफ़ी ज़्यादा फैशन है। एट द सेम टाइम लिप्स को बहुत अच्छी नरिशमेंट देता है। यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन। मेरा क्योर्स के ऊपर डिस्काउंट कोड भी है, सो अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, आप वहाँ से भी मेरा डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हो। आई लव इट। एंड विद दिस माई ड्राई स्किन एसेंशियल्स आर ओवर। इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आपकी ड्राई एक्ने प्रोन स्किन है ना, प्लीज़ अपने एसेंशियल नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, क्या पता आपके पास मेरे से बेटर कोई सजेशन हो। अगर आपको लगता है जो ड्राई स्किन टाइप पे ब्यूटीफुली सूट करेगा, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डू शेयर योर ज्ञान विद मी एज वेल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। ये बायोडर्मा का सनस्क्रीन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई फ्रेंड है जिसकी ड्राई स्किन टाइप है, ये वीडियो को फटाफट उनसे शेयर करो, क्या पता उनके काम आ जाए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।